क्या सचमुच शादी के बाद पैसों की तंगी से गुजर रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा? क्या सचमुच शादी के बाद खुश नहीं है सोनाक्षी सिन्हा? आखिरकार सोनाक्षी सिन्हा की आ गई ऐसी कौन सी मजबूरी जो सोनाक्षी को शादी के तुरंत बाद बेचना पड़ रहा है अपना ही घर? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस तरह से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। जी हां, 23 जून वो तारीख थी जब सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी रचाई, लेकिन शादी के तुरंत बाद आखिरकार सोनाक्षी सिन्हा को पैसों की इतनी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि सोनाक्षी सिन्हा अब अपना ही घर बेचने के लिए मजबूर हो गई हैं? जी हां, आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा, ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही अपना घर जिसमें वो इस वक्त रह रही है अपने पति के साथ, उस घर को बेचने वाली है। तो क्या सचमुच पैसों की बहुत ज्यादा तंगी हो गई है सोनाक्षी के जीवन में? अभी पूरी खबर क्या है वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, चैनल में नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में छाई हुई हैं और वजह है उनकी शादी। 23 जून को बड़े ही धूमधाम से सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बांदा वाले घर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की। सोनाक्षी की शादी में उनके परिवार वाले और उनके कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए, ज्यादा तामझाम नहीं था। सोनाक्षी की शादी काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रही क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि पहले उनके अपना ही परिवार उनकी शादी के खिलाफ था, लेकिन फाइनली शादी हो गई। लेकिन अब शादी के कुछ 2 महीने बाद ही ऐसी खबर आ गई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही जिस घर में उन्होंने शादी की, जिस घर में वो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपने पति के साथ रह रही हैं, अब तो उनके पति बन चुके हैं, इससे पहले जब उनके बॉयफ्रेंड थे उनके साथ पिछले 1 साल से रह रही है, उसी घर को अब सोनाक्षी सिन्हा बेचने वाली है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इस घर की 25 करोड़ कीमत लगाई है। दरअसल एक बहुत बड़ी जो हाउसिंग वेबसाइट है उसने अपने वेबसाइट पर, अपने इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी के घर के तस्वीरें, सोनाक्षी के घर का कुछ वीडियो शेयर किया है। उसमें बेडरूम, किचन, उनका ड्राइंग रूम सब शामिल है और साथ ही इस वीडियो को सोनाक्षी सिन्हा ने भी लाइक किया है। यानी कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पर तभी वीडियो घर का या फिर तस्वीरें घर की तभी डाली जाती है जब किसी जो ओनर है जो घर का, उसको अपना घर बेचना हो। यानी कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा अब जिस घर में रह रही है उस घर को बेचना चाहती है, लेकिन आखिरकार क्यों? वैसे मैं आपको बता दूं कि सोनाक्षी सिन्हा ने ये घर लगभग 16 करोड़ का खरीदा था जिसे अब वो 25 करोड़ में बेचना चाहती है। ये घर बांद्रा में है, एक हाई राइज सोसाइटी के अंदर है और इस घर को जोड़ने के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा और अपनी माँ पूनम सिन्हा से पैसे लिए थे। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा ने ये घर तकरीबन 2020 में खरीदा था, साल 2020 में, जब सोनाक्षी सिन्हा लिव इन रिलेशनशिप में जाने वाली थी अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ। वो अपने घर से अपना घर उन्होंने रामायण, जहाँ पे उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा, उनके भाई लव और कुश और उनकी माँ, वो सब रहते हैं रामायण में, उस घर को छोड़कर उन्होंने अपने लिए एक नया घर लेने की साल 2020 में कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त सोनाक्षी सिन्हा के पास मुंबई के इस हाई राइज बिल्डिंग में खरीदने के लिए घर इतने पैसे नहीं थे, तो सोनाक्षी ने उस वक्त अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से 11 करोड़ लिए थे और बाकी के जो पैसे है वो अपनी माँ पूनम सिन्हा से लिया था और ये सब पैसा मिलाकर सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लिए घर खरीदा था मुंबई के बांद्रा में। लेकिन अब शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही न जाने क्यों सोनाक्षी सिन्हा अचानक से अब ये घर बेचने पर मजबूर हो गई हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ऐसी भी क्या तंगी आ गई सोनाक्षी को, क्या ससुराल में खुश नहीं है, क्या ससुराल वाले सोनाक्षी को पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहीर इकबाल अब पूरी तरह से सोनाक्षी की कमाई पर निर्भर है? क्योंकि आपको बता दें सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के करियर में भी बहुत ज्यादा फर्क है। सोनाक्षी सिन्हा की जहां नेटवर्थ लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की है, तो वहीं जहीर इकबाल की नेटवर्थ मुश्किल से 5 करोड़ है। तो बहुत ज्यादा जहीर इकबाल के पास पैसे भी नहीं है जो सोनाक्षी के पति हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब सोनाक्षी को शादी के बाद अपने पति का भी खर्चा मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कि आपको भी ऐसा लगता है कि सोनाक्षी मजबूरी में अपना घर बेच रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है हो सकता है सोनाक्षी को कोई और बड़ा घर पसंद आ गया हो इससे वो घर बेच रही हो? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।